करके बैठते हैं तो धीरे 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 वो बेंच की सिफत हमारे अंदर मुंतकिल हो जाती है, दैट पर्टिकुलर क्वालिटी गेट्स ट्रांसफर टू अस एंड यू डोंट इवन रियलाइज कि कब मेरी आंख लग गई, कब लेक्चर शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। सब लोग जो बुक की ताली बजाने रहते हैं वो तो मैं भी ताली बजा हूँ, ऐसा होता है। नेक्स्ट 20 मिनट्स वी आर हियर क्विकली। अभी आप लोगों के अभी जो 11th का क्लास है ना अभी 11th का क्लास है ना, नहीं अभी जो आप बाद में आए नहीं अच्छा, ये 9th और 10th के लिए भी जरूरी है। आपको ये जान के बहुत ताज्जुब होगा कि मेरा 11 साल का कॉर्पोरेट कंपनीज में एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं लास्ट 5 साल टाटा में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर था। तो उस बहाने से या उस वजह से मुझे पूरे हिंदुस्तान के सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला। और बहुत दूर की बात नहीं बताता मैं आपको, अब आप सब लोग दीज आर ऑल एडल्ट चिल्ड्रन, आप सब लोग शरीयत के एतबार से बालिग जिम्मेदार लोग हैं। और आप सोचिए कि एक मुल्क जिसका जो एरिया है वो अपने स्टेट से कम है, उसके अंदर 900 यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी किस लिए बनती है? फर्दर स्टडीज के लिए बनती है ना, किसी पर्टिकुलर चीज में, सब्जेक्ट में, एरिया में, डोमेन में स्पेशलाइजेशन, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन होता है ना। मेडिकल के फील्ड में एक होता है नॉर्मल डॉक्टर, फिर होता है स्पेशलाइजेशन, फिर होता है सुपर स्पेशलाइजेशन। तो सुपर स्पेशलाइजेशन रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटीज बनती। तो आप यकीन कीजिए कि ये जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बोलने का सिर्फ यही मकसद है कि हम कहाँ हैं और कौमी लीगल कौमी दुनिया में कहाँ है पढ़ाई के मामले में, ये हमको सिर्फ समझना है, ये समझने की जरूरत है। ये समझेंगे तो फिर हम तो समझ में आएगा कि हम उस रेस में कहाँ हैं, जो रेस चल रही है आगे वो रेस में हम कहाँ हैं, तो हमको समझ में आएगा।